मैं ये बोल रहा हूँ प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा वाले 100%। हाँ, कांग्रेस सरकार का बल्ला एक तरफा है। बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, चुनाव कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस में करे जो काम करे, कांग्रेस का या जो कुछ करेगा। पल्लोवारी तो मोदी की है। कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस ही जीतेगी, शेर दा मुख्यमंत्री बनेगी, कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। बीजेपी तो जी किसाना खतर है को नहीं, काम किसाना काम चले, कोई टाइम पर कोई खाद बीज मिले को नहीं। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। माहौल तो वैसे सच्चाई तो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है। बीजेपी ने मारिया तो हाथ को नहीं, बाकी छोड़ी को नहीं। पाँच साल में विकास, कोई विकास को नहीं है। लड़ा बलवान सिंह जोधपुरिया भारी जेटी मिली साहब। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं रितु पटेल। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं DSadaknama.com। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हमारी टीम फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव मेहूवाला में मौजूद है। यहाँ हम चुनाव को लेकर जानेंगे कि गांव वालों का क्या माहौल है, क्या मूड है, किसे जिताएगी जनता, आइए जानते हैं। क्या लगता है आपको गांव में चुनाव को लेकर क्या माहौल? माहौल कांग्रेस को, बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी? बीजेपी तो घणो ही खरे उतरी, रोज की कागज उठावा है। कदे वो सामने गयो, कदे वो सामने गयो, कदे का वो कागज लियाओ, कदे का वो कागज लियाओ। मैं तो कागता में लग गया रहा, एक आदमी डेली कागता में लग गया रहा घर पंथी। तो बीजेपी तो बहुत खरी उतरी है, बड़ा अच्छा काम किया है, हैं? मतलब कांग्रेस सरकार का पलड़ा भारी है। हाँ, कांग्रेस सरकार का पलड़ा एक तरफ है, एक तरफा है। क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर गाँव में क्या माहौल है? चुनाव कांग्रेस की तरफ है। यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने क्या मतलब विकास किए गांव में? हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ पिछले प्लान में, ना कोई काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस सरकार पीछे जो आई थी ना, जब भी तो हमारे को इतनी परेशानी नहीं मिली जितनी ये बीजेपी मिली। इतनी काम करे, वो अच्छा करे, दुख कौन पाए 1% में, एम दुख ही हमें हर आदमी। क्या लगता है आपको मतलब चुनाव को लेकर गाँव में क्या माहौल है, जनता किसे जिताएगी? कांग्रेस। कांग्रेस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो कांग्रेस में करे जो काम करे, 70 साल में वो करे, उन्होंने क्या करे, उनका भाई का कागज कुटावे जो बसा बसाया घर में ले आन दो। कांग्रेस का या जो कुछ करेगा, सगड़े लोगों ने परेशान कर दिए, कदे का यो कागज लियाओ, कदे का वो कागज लियाओ। ये फैमिली आईडी में कहिया इनकम कम हो गई, फलानी कम हो गई, दिखड़ी कम हो गई, मैंने सही करवाना जाऊँ बोले या हुआ कौनी, तो धक्का खाना फिर और क्या है। इसी तरह कांग्रेस ने धक्का नहीं खुआया। कांग्रेस सत्ता में सदा बुढ़ा बुढ़े रह गए, इस सत्ता में चला गया, कभी महसूस ही कोनी हुई गंदी सरकार है। आज सबसे गंदी सरकार आई है, जो कि दुखी है आदमी। बाप दादा सारे कांग्रेस का। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? कांग्रेस बनेगी। बीजेपी सरकार अपनी विद्या पर कितना खरा उतरी? की कौन कर मेरे मार तो 10 किलो दाना मिले करते हैं भाई, वो खो दिए 20 किलो पर आ गयो। कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? बढ़िया है, 70 साल राज करके बहुत बढ़िया है, घर बसे बसे मिल गए, वो आगे उठाने लग गयो। मैं की कौन कांग्रेस वोट ज्यादा है, मैं बड़ा है, बस कांग्रेस ही जीतेगी, शेर दा मुख्यमंत्री बनेगी, बस बात है। क्या लगता है आपको इस बार मतलब यहाँ के विधायक कौन होंगे, गांव में चुनाव को लेकर क्या माहौल? विधायक किसी ने कांग्रेस की मिली किसी को? कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। बीजेपी सरकार ने क्या कुछ विकास किए यहाँ पे? नहीं, कौन करे बीजेपी वाला, कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार कांग्रेस काम करी मारे, हर सदा करती आई है। क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर गाँव में क्या माहौल? बढ़िया माहौल है। किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस का। कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? और खेती बाड़ी की बढ़िया, किसानों ने सुविधा मिले। क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी? बीजेपी तो जी किसाना खतर है को नहीं, काम किसाना काम चले, कोई टाइम पर कोई खाद बीज मिले को नहीं। हाँ, ना कोई युवा रोजगार है, ना कोई और है, तो बीजेपी का तो कोई है कौन माहौल जमाई। क्या लगता है मतलब गाँव में और किस तरह के विकास होने चाहिए? गाँव में तो विकास फोड़ा लगा हुआ सड़कड़ा, गलियां फोड़ फोड़ के लगा के बढ़िया रोड हम पीछे बर्बाद करे। करना काम कोई नाला है, कोई खाला है, कोई सड़क काम बढ़िया बना हुआ है, कोई और बहुत है कौन भी, स्कूल कोई है, कोई और है, मतलब जो चीज़ है वह ऊपर पीछे बर्बाद करे। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ के विधायक कौन?
बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, दूड़ा राम कट रहे हैं वोटर, कोई विधायक और ले दूड़ा राम को छोड़ कर, बीजेपी का अच्छा माहौल है, बढ़िया काम किया है। ये कुछ कह रहे हैं ये सड़क बना दी, ये बना दी, तो आम नागरिक इसका जो जिम्मेवार है भी बढ़िया सड़क है जाके रोक दे भी, हम जरूरत को नहीं भी, सरकार तो पैसे दे रही है, बस एक नाम सीख किया सरकार ने, क्या किया सरकार ने, बहुत कुछ किया है, आयुष्मान योजना चला रखी है, कोई तकलीफ नहीं, गरीब आदमी हर बीमारी से बच सकता है। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। माहौल तो वैसे सच्चाई तो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है, एक तरफा तो कौन है, इलेक्शन तो बनेगा लेकिन कांग्रेस मजबूत माना होगा, कांग्रेस सरकार मतलब मजबूत है। बीजेपी सरकार ने क्या विकास की? विकास तो ठीक है जी, बीजेपी कोई बुरी सरकार को नहीं, बढ़िया है। और क्या विकास होने चाहिए गांव में? विकास की तो छुटपुट छोटी मोटी समस्या तो रह जावे जी वैसे, मतलब बाकी विकास अच्छा हुए, अच्छा हुआ विकास। किसका भारी लग रहा है फिलहाल? कांग्रेस का, हाँ कांग्रेस का। क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर गांव में क्या माहौल है? फिलहाल कोई चर्चा ही नहीं है गांव के अंदर, बीजेपी सरकार इंतजार कर रहे हैं भी कोई कैंडिडेट तो पार्टी, उसके बाद में कोई पार्टी के साथ बना। बीजेपी सरकार ने क्या कुछ विकास की है, कितना उम्मीदों पर खरा उतरी? छोटी देश के अंदर विकास में बहुत विकास किया है। और क्या विकास होने चाहिए? और तो उनको बताएं तो विकास नहीं होगा, वो उनकी मर्जी है, सब पढ़े लिखे हैं, वो अपने आप देख लेंगे। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? तो वो तो कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे जो पता लगेगा ना, पहले क्या कह सकते हैं। बीजेपी सरकार ने क्या कुछ विकास किए? बीजेपी ने मारिया दास को नहीं, बाकी छोड़ी को नहीं। मतलब चुनावी मुद्दे क्या है गांव में? चुनावी मुद्दा दियो ये भी जमींदार को अच्छा भाव मिले, अच्छा बीज मिले, यही है और क्या। फलड़ा किसका भारी लग रहा है? फलड़ा तो कैंडिडेट आए बगैर कुछ नहीं कह सकते। क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर गांव में क्या माहौल? तो अभी के बतावा, माहौल तो कोई अदो चुलेड़ी क्लियर तो है को नहीं, कोई भाजपा खातिर है, कोई बीजेपी खातिर है। विधायक दूड़ा राम ने क्या कुछ विकास किए गांव में? गांव में तो ठीक ही करियो काम डो तो भाई, अच्छा। और क्या विकास होने चाहिए गांव? गांव में तो ठीक है, विचार बढ़िया है फिलहाल तो, ठीक है। क्या नाम है अंकल आपका? प्रकाश। क्या लगता है आपको गांव में और क्या विकास होना चाहिए? काम में विकास तो अच्छी पिल्सन बदनी चाहिए, अपाइजन मतलब मिलना चाहिए, वाहकल ये कौन मिलना आ रहा है 5-10 साल में ना, कि नहीं कोई मतलब मुआवजो मिले, ये जो कोई कच्चा मकान है देख जी सर्वे कर लीजिए कि नहीं, कोई कुछ नहीं मिला। चुनाव को लेकर बताओ गांव में क्या कुछ माहौल है? अब तो कोई कैंडिडेट छोटे को नहीं, कैंडिडेट आए बताओ, कैंडिडेट आए मेरे लागो अब तो लोग। क्या नाम क्या अंकल आपका? राम कुमार। क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर गांव में क्या माहौल है? चुनाव के बारे में क्या लगता है जी, कोई कैंडिडेट ही नहीं आया, कोई आएगा तो बताएंगे। दूड़ा राम जी ने यहाँ पे क्या कुछ विकास करवाया? बीजेपी वाले अच्छे काम किया है, हाँ जी बढ़िया प्रोग्राम है। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा तो किसका भारी लग रहा है अभी कोई पता नहीं, सरकार अभी पल्लो भारी है, पल्लोवारी तो मोदी की है। क्या लगता है गांव में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? ठीक है सारा, बीजेपी सरकार ने कितने को मतलब क्या कुछ विकास किए, क्या उम्मीदों पर कितना खरा उतरी? विकास विकास को अपन ढाक होनी नहीं, आप विकास कम करियो, डाली 5 साल विकास ठीक करियो। क्या नाम क्या आपका? सरकार ने राजेंद्र। क्या विकास किया बीजेपी सरकार ने? विकास 5 साल में विकास कोई विकास को नहीं हो, 5 साल में अच्छा हो, 5 साल में विकास को नहीं हो। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा बलवान सिंह जोधपुरी का भारी जेटी मिली साहब। कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो लार 10 साल डर रही है, अगर नई काम करी नई सरकार आई। एक तरफ की माल को नहीं है ना, जब कोई कैंडिडेट बढ़िया आएगा उसको जाता, एक तरफ कुछ नहीं सारी ठीक है, एक तरफ तो है कौन किंग भाई, वोट मोदी का बढ़िया है। मैं ये बोल रहा हूँ प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा वाले 100% बनाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं? सारी उम्मीद है उनते, सब कुछ भी उम्मीद चाहो वो भी उम्मीद है।